बंदे दा एक पावा हड चा आ अस्तगफुरुल्लाह। ये देख सकते हो ये कफन है, खत्म कर दिया इधर से हमारे लेके बहा के ले गया। यहाँ पे भी कब्रिस्तान था, देख सकते हो बहा के ले गया। और ये देख सकते हो तो बस अस्तगफुरुल्लाह। तो जो घड़े लगते हैं ना, ये घड़े जो है ना आपको नजर आ रहे हैं, इसका जो है ना लाश अस्तगफुरुल्लाह वो बहा के ले गया। कहना यहाँ लोगों का है। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त इरफान पुजदार। तो फैनली आप देख रहे हो इरफान व्लॉगर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, नहायत ही अफसोसनाक खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं मौजूद हूँ तौसा शरीफ चौंकी वाले भरगनी वाली बस्ती पे। एक नहायत ही अफसोसनाक खबर है और काबिल एहतराम मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ। यहाँ इतना बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, वो क्या नुकसान हुआ है मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ। यहाँ पर सैलाब के आने से यहाँ पे एक कब्रिस्तान है भरगनी वाले बंद के साथ, सॉरी भरगनी वाले बस्ती के साथ, वो कब्रिस्तान का आधा तकरीबन वो कब्रिस्तान को बहाकर ले गया है। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो नहायत ही अफसोसनाक खबर है। यहाँ पे ये यहाँ देख सकते हो यहाँ कब्रिस्तान था, मैं आप दोस्तों को दिखाऊँगा यहाँ कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान को वो बहा के ले गया। और काफ़ी कब्रिस्तान जो है ना अभी भी डैमेज है, वहाँ पर टूटी हुई है, वो मैं आप दोस्तों को दिखाऊँगा जाकर। यहाँ पर सैलाब आया था, को बता रहा हूँ, ये आप देख रहे हो यहाँ पे कब्रिस्तान था। और एक बात और, कुछ लोग वीडियो देखते नहीं है फिर कमेंट्स कर देते हैं, ज़रा गौर से देखें। अगर किसी भाई ने तस्दीक करना है अड्डा चौकी वाला भरगड़ियों वाली बस्ती पे आ जाए, वो खुद तस्दीक कर ले और यहाँ पे देखे और वीडियो भी देखे। और मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, यहाँ पर नहर के टूटने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और जानी माली नुकसान हुआ है, वो तो हुआ है, लेकिन जो काबिल सताइश है बताने वाली बात है मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ। यहाँ पे कब्रिस्तान था और ये आप देख सकते हो ये कब्रिस्तान के मतलब यहाँ पे ये बड़े बड़े मतलब वो जो सीमेंट वाले कब्र थे, मतलब ये उनके टुकड़े हैं, ये आप देख सकते हो, वो आप देख सकते हो यहाँ कब्रिस्तान था और उसको बहा के ले गया। तो अस्तगफुरुल्लाह, ये आप देख सकते हो कब्रिस्तान है, इसका मतलब यहाँ तक पानी बहता रहा है, यहाँ भी पानी बहता रहा है। कह रहे थे कि आप जो है ना गलत कर रहे हैं, और मेरे पास मौजूद हैं इलाका मुकीम यहाँ पे अंकल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम चाचू। कब्रिस्तान सारा सैलाब आ गए। अच्छा, सारा खत्म हो गया, जाही शाही हर शय। अच्छा, इतना जितना सा खड़े हैं तक कब्रिस्तान ना आई, ये सारा कब्रिस्तान इतना मैं के दसाए इतना कब्रिस्तान आई, सारा कब्रिस्तान इतना सैलाब सारा चढ़ के कब्रिस्तान। अच्छा, और कुछ कब्र भाग के घेनी गए। अच्छा, अच्छा ये जितना हूँ किले लगे खड़े ने, इतना हूँ कब्र हैं सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बस तक फुरला यार, क्या मत निशानी है अच्छा, तुसा अपने अखियां नाल कपड़े हड्डियां डिठन अपने अखियां नाल सके नहीं डिठे। हां, और नहायत ही अफसोसनाक खबर है। इन लोगों का कहना है यहाँ पे जब सैलाब आया था, पानी आया था, वो सामने आप दोस्तों को सफेदे नजर आ रहे होंगे। वहाँ पे इलाका मुकीम का कहना है कि हमने कपड़े हड्डियाँ अपने आंखों से देखे हैं, मतलब मैयत वगैरह उनकी हड्डियाँ, और ये कब्रिस्तान जो बह के ले गया है। और इस वक्त आप देख सकते हो यहाँ बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे कोई नहीं है, और यहाँ थोड़े से जो है ना निशानदेही है कब्रों की, लेकिन कब्र नहीं है, ऊपर मिट्टी है, लेकिन ये अगर निशानदेही किया हुआ है कुछ बचे हुए हैं। और नलके तक भी कब्रिस्तान आई। अच्छा, अच्छा सारा कब्रिस्तान है जी। तो बात अस्तगफुरुल्लाह, ये सारे छाप छाप लेते थे बोले चलो इन्हें को ना चावे। अच्छा, बच्चे ही यहाँ कब्रिस्तान है ना, कब्रिस्तान बस गया। अच्छा, मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, तकरीबन सारा कब्रिस्तान को बहा के ले गया, अभी बच गया सिर्फ ये कब्रिस्तान बच्चे हैं, आप देख सकते हो। आगे कुछ यहाँ पे इलाका मुकीम मौजूद है, उनसे भी जाके बात करते हैं। चलो उधर से उधर चलेंगे आप दोस्तों से जो है ना उनसे बात करवाएंगे। यहाँ पे भी कब्रिस्तान था टोटली, देख सकते हो बहा के ले गया। और ये देख सकते हैं ये कब्रिस्तान, यहाँ कब्रिस्तान था, ये कब्रिस्तान था, यहाँ कब्रिस्तान था, मैयत यहाँ पे दफनाए हुए थे उन लोगों ने। ये देखो
ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तौबा अस्तगफिरुल्ला, ऐसे क़यामत आया नहीं है लेकिन उसने ट्रेलर दिखाया है क़यामत आने की। यकीन करो हम लोगों की गुनाह है, यानी कि हम ये करते हैं, गुनाह हम करते हैं और भुगत मुर्दे भुगत रहे हैं। ये आप देख सकते हो, तो बस फुल्ला तो ये चाचू कितनी खड़ी है? अच्छा अच्छा, ये आप देख सकते हो कब्रिस्तान में जो घड़े लगते हैं ना, ये घड़े जो है ना आपको नजर आ रहे हैं। हाँ, कुछ स्लेप रखते हैं, कुछ जो है घड़े रखते हैं, वो घड़े नजर आ रहे हैं और कुछ मतलब यहाँ तो कुछ नजर आ रहे हैं और वहाँ से वो सारा भाग के ले गया। तो बस फुल्ला नुकसान हुआ है, ये आप देख सकते हो इनका कुछ बचा हुआ है और यहाँ फिर पानी आया है। यहाँ बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं, आप देख सकते हो प्लान है, कुछ नहीं बचा कब्रिस्तान का। फुल्ला ये आप देख सकते हो, ये कब्रिस्तान का एक टुकड़ा है, ये तो मतलब सीमेंट का टुकड़ा है। इसका जो है ना लाश अस्तगफिरुल्ला वो बहा के ले गया है, कहना यहाँ लोगों का है और मुर्दा यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो प्लान है। और वो सामने कब्र आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, वो भी पानी के अंदर वो बच गया है। और ये देखें ये कब्र, ये देख सकते हो ये यहाँ पे सारा कब्रिस्तान था अस्तगफिरुल्ला, ये सारा बहा के ले गया है। यहाँ पे मुर्दे लाश वगैरह सब कुछ बहा के ले गया है। वैसे इनका जो है ना, हम कहते हैं कि सुकून कब्र में होता है, और तौबा अस्तगफिरुल्ला नऊज़ बिल्ला, इन लोगों की सुकून कब्र में भी नहीं लिखा हुआ था। आप देख सकते हो इनके जो है ना कब्रिस्तान अस्तगफिरुल्ला। व्यूअर्स को बताओ, कुछ लोग मानेंगे नहीं इस बात को, आप तो आँखों के सामने आप भी ये आप देख सकते हो अपने आँखों के सामने। और ये कब्रिस्तान जो है ना, इसका जो है ना आप बता दें व्यूअर्स को। ये सब सामने नजर आ रहा है, उधर भी पहले भी आपको दिखाया है कि उधर देखो सामने लाद निकली हुई थी। और इलाके मुकीम का बताना है कि बहुत सी नाशें इधर से हमारे लेके बहा के ले गया, और ये जो हमने ये थोड़ा सा हिस्सा बचा है, बाकी सारा कब्रिस्तान बहा के ले गया, कोई नामो निशान। ये देखो दो कब्रें दोबारा बनाई है निशानदेही के तौर पर, ये भी बहा के ले गया था। ये आप देख सकते हो ये निशानदेही उन्होंने किया है, दोबारा निशानदेही किया। और अच्छा ये बताएं, वो इलाके मुकीम बता रहे थे यहाँ पे हमने जो है ना हड्डियाँ वगैरह भी देखी हैं और कुछ कपड़े वगैरह भी, बता रहे थे कि वो जो मैयत को कफन वगैरह पहनाया जाता है उसके साथ हड्डियाँ देखी और मैयतों के, बहुत सारा रिजाम अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही अफसोस की बात है। वैसे कब्र में सुकून होता है, हम जो है ना लोग कहते हैं कि हम, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी लास्ट टाइम, वो यहाँ पे पहाड़ मतलब चला था, वो कह रहे थे आप लोग झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा अगर किसी ने भी देखना है और अगर कब्रिस्तान को किसी ने आकर देखना है, ये भरगड़ियों वाला बस्ती है चाचू, भरगड़ियों वाला बस्ती है और नहर के साथ ये बस्ती आबाद है और ये कब्रिस्तान भी है और आधा बचा हुआ है आधा बहा के ले गया है। आप आकर देखेंगे और ख़ुद अपने आंखों से देखेंगे और मुलाजा फरमाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल रियल है आपकी आंखों के सामने और हम भी देख रहे हैं, और इलाका मुकीम के साथ भी आपकी मुलाकात करी है और इंशाल्लाह दूसरा बंदा यहाँ पे नमाज पढ़ रहा है उससे भी मुलाकात आपकी करवाएंगे और वो अच्छी तरह से आपको बताएगा कि कितने कब्रें बहा के ले गया, क्या सदाकत है, क्या है वो, आप अपने आँखों से मुलाजा फरमा सकते हो ये कब्रिस्तान है। तो बस अस्तगफिरुल्ला दोस्तों, इलाका मुकीम चाचू हैं आ चुके हैं और ये भी चाचू हैं और कुछ सवालों जवाब इनसे पूछते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आप लोग गलत कर रहे हो, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कब्रिस्तान नहीं बहा के ले गया, कब्रिस्तान के जो है ना लाशें मुर्दे वो बहा के ले गया है। और मेरे साथ अंकल मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम चाचू, खैरियत है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह करम है अल्लाह पाक दा। चाचू आप इन्हें बताएं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ कब्रिस्तान का और कब्रिस्तान के जो है ना मतलब लाशें या मुर्दे वो बहा के ले गया है, कितने तक कब्र थे, कहाँ तक थे, आप थोड़ा सा बताएंगे। चाचा कब्रिस्तान बहुत था, मिसाल बहा के ले गया कब्रिस्तान दू जही थे। अच्छा वो बस्ती कोई बहुत सारा कब्रिस्तान है, सारा लुढ़ गए इथो को लो मिसाल देखो ये इतनी दरख्त असन टुक टुक कर दन। अच्छा ये दसो कब्रिस्तान अध कितना तक है, वो नलका नजर दा पे या नलके दे का थोड़ा जन निशान दे के रसो ये भाई, वो कब्रिस्तान सर जो पूछे मुश्ताक नलका पास हो दा निशान दे दे इने पार कब्रिस्तान और। अच्छा ये दसो ओ उतने तक जी में चोर गए वदन में ज़ूम करना, आप देखो आप देख सकते हो मैंने ज़ूम किया थोड़ा सा, वहां लड़के गए वहां पे रुक जाए। और ये बताएं कि यहाँ पे फिर जो है ना कब्रिस्तान को बहा के ले गया और उनके जो है ना आपने निशान दी किस तरह की निशानी साहब इल्म सारे अपने बथेब दिन अपने इलाके दिन हाथे ना रखी पे है देखो। अच्छा वो कोठे को पौर, वो कोठे लड़ गए, वो कोठे को पौर दे ऊपर ली में जा दे, पर वो बंदे दा एक पावा हड चाया
यानी कि तू तय अपने अखियां नाल और अपने हाथे नाल जो है ना खा सकदा जी था पूरी ब्याह अच्छा इंसान दा सबाब थी सी मैकुल अच्छा हां ई बन वास्ते कब्रिस्तान वास्ते कोई था नहीं है सारी इमदाद वास्ते अच्छा चलो असा जींदे इंसान है बच गए हैं निकल गए हैं अच्छा ओकलो लावाई थई कुंडी ते बधणा गना के भरली वाला मर्क वस्ती है उने नहीं बधण दिता योजना अफसर योजना कोई जिम्मेदार नहीं आया सारे इलाके जी इमदाद वास्ते भाई असै कब्रिस्तान तू बचाऊ हां कोई मशीनरी बिल्डोजर हां आराम का ती है आखरी आराम का ही है अजा तो कोई निमंदा नहीं है जो असा तुम्हारे कब्रिस्तान को पनाह देवो कोई लठ बद देवो अच्छा असा भी इंसान है सारे भी ये मुर्दे जरे दुनिया अच्छा हुन महफूज है इन टाइम तुसा आप आदे बेटो मैं मुर्दे दा जरे ना अपने हाथे नाल जरे ना मौके तेरी खा सकदा अपने हाथे नाल तुसा हड्डी चाहे वे हड्डी सही जंग है ये जरे जंग है अच्छा हां ओ मैं पूर सटे मैं के सबाब थी अच्छा कल ये जरे हड्डी भी उठा त्रै बंदे आ गए झंडे दे कोल उठा मैं पूर सटे से अच्छा ओ तुसा डिठे ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਲਿਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੂੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਲਾਵਾ ਔਰ ਕਫਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਬਰ ਕੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਦਾਦ ਲਾਵਿਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦਰਖਤ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਨਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਵੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰਾ ਹੀ ਜਿਲੇ ਫਲੱਡ ਆਏ ਬਾਅਦ ਫਲੱਡ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਾਲੇ ਕੋਈ ਚਾਚੂ ਅਸਾਂ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸੇਨਾ ਪੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਫਨ ਹੂੰ ਸਫੇਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੰਖ ਕਫਨ ਹਾਦ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਕਫਨ ਹਾਦ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਰਿਠੇ ਅੱਛਾ सफेदे तक लगे पे हैं सफेदे दे और पौड़ ते गन अच्छा मैं आप दोस्तों को बताता चलूं यहां एक बंदा मौजूद नहीं है यहां इलाका मुकीम आप देख सकते हो काफी सारे मौजूद हैं ये सारे गवाही दे रहे हैं कि यहां पे कब्रिस्तान का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है इनका कहना है कि हमने मुर्दे खुद जो है ना वहां से देखे और आकर हमने उनकी हड्डियां दफनाई हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने कहा कफन तो हद से भी ज़्यादा हमने देखे हैं वहाँ उस आप वो देख सकते हो दरख्त हैं दरख्तों के अंदर और ये चाचू जो है ना यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे इनका घर है अच्छा पानी जितनी है गियत पोहा ते नुकसान करंदा के अच्छा गरीब दे घर देख परो घर देख परो 40 बोरी हुंदी लुट गई है इडे कोई नहीं आंदा कोई सारी हुन तुसा क्या आदे सारा जेरा ना इंदा बन बध्या वने अच्छा कब्रिस्तान दा प्रोटेक्ट कीता वने जी जी असा कोई को बन दे सके अच्छा ये थोड़ा जा जुलसो सब दिखलो सो जेरा कब्रिस्तान फिलहाल बच्चे पे थोड़ा बहुत जेरा ना उसा दिखेसो के ये आप देख सकते हो यहाँ पे कब्रिस्तान ना और इस वक्त यहाँ पे एक और अंकल आ चुके हैं और ये देख सकते ये भी कब्रिस्तान है चाचू अच्छा मुर्दे चाह गए ये निशानदाही यानी कि इन्होंने निशानदाही बनाया हुआ है ये देखो ये कब्र की जो है ना वो है क्या कहते हैं नाम लिखा हुआ है कब्र का ये देख सकते हो आप कितना ज्यादा नुकसान हुआ है जी आप देख सकते हो बहुत ही था डूंगा टोए ला गया खड़े ला गया अच्छा एक दूसरा पानी है थोड़ा वो वाला मिट्टी पा गए था ये आप देख सकते हो कब्रिस्तान की हाल जब गन जरे और बोला ये तो मजीद यहां से जो है ना वो उनका कहना है कि भागकर ले गया कब्रिस्तान को और ये कुछ आप देख सकते हो यहां पे ये देखो ये कब्र का प्लेट है हैं ये देखो ये कब्र का प्लेट है अस्तगफुरुल्लाह तौबा अस्तगफुरुल्लाह अल्लाह पाक जो है ना बचाए ऐसी आफत से और ये इलाका मुकीम मौजूद है आप देख सकते हो सारा घर है सही सारे हवेले ढह गए ना सारा निजाम कितना ज्यादा नुकसान हुआ है बहुत नुकसान हुआ है सारा देख सकते हो ये जो पत्थर हैं ये कब्रिस्तान के हैं वो कब्रिस्तान को जो है ना बहाकर लेकर आ गया है यहाँ ये जो वो जो दरख्त मैं आपको बता रहा था इन्हीं दरख्तों के अंदर यहाँ पे कफन और जो है ना उनके लाशें और उनकी जो है ना हड्डियाँ मिली हैं इसी इन्हीं जो है ना जंगल के अंदर से और वो जो उनकी हड्डियां मिली हैं अंकल का कहना ये था कि मैंने उनको जाकर दफना दिया बिल्कुल ये कब्रिस्तान का जो है ना एक मुर्दे लाश का कफन है ये आप देख सकते हो वो जो है ना उधर से बहाकर यहाँ तक लेकर आया है ये अपने आंखों से आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये आप देख सकते हो ये देख सकते हो ये बस्ती शाह वाली में मौजूद हैं यहाँ पर नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है और अस्तगफुरुल्लाह ये आप देख सकते हैं ये देख सकते हो ये कफन है खत्म कर दिया तौबा अस्तगफुरुल्लाह।